हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई हो आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। कुछ क्लिप ना 5 तारीख की है, तो मैंने इवनिंग टाइम में मेहंदी लगा ली थी एक हाथ में। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस टाइम भी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा ठीक लग रहा था तो मैंने सोचा चलो इंस्टेंट वाली मेहंदी जल्दी से सूख जाएगी, मैं इसको धुल दूंगी। तो मैंने एक हाथ में मेहंदी लगा ली थी, फिर ये नहीं थे घर पर, ये आ गए थे, तो फिर मैंने दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि इनको खाना खाना नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे खाना बनाना ही नहीं था। फिर तो मैंने दूसरे हाथ में मेहंदी लगा ली, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे दोनों हाथ की मेहंदी जल्दी से धुलनी पड़ी, लेकिन कलर आ चुका था क्योंकि ये इंस्टेंट वाली मेहंदी है। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे। मैं बहुत लेट नाइट सोई थी, तो सुबह उठने में मैं बहुत लेट हो गई हूँ आज, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था उठने का, बॉडी काम नहीं कर रही थी और रात को मुझे नींद नहीं आई, मेरी बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहा। तो फिर जैसे तैसे मैं थोड़ी बहुत टाइम के लिए सो गई थी, सुबह उठने में लेट हो गई हूँ। बस उठ करके जल्दी से ब्रश वगैरह किया और घर के काम तो मुझे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कोई है नहीं और मेड भी नहीं आती है, तो मुझे तो करने ही है सारे काम, और इसके बिना तो पूजा पाठ सब कुछ बेकार ही है, पहले घर के काम फिर पूजा पाठ, है ना। तो बस मैंने धीरे धीरे करके पूरे घर की झाड़ू निकाली और पोछा लगाया। तो वेरी लवली गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। आज की डेट है 6 जून और आज है थर्सडे, आज है वट सावित्री व्रत। तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी माताओं बहनों को, सभी सुहागन लेडीज़ों को। और ये देखो मेरी मेहंदी, मैंने कल मेहंदी लगा तो ली थी लेकिन मैंने तुरंत ही धुल दी थी, क्योंकि मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द है कल से और अभी भी, पता है बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा मेरा कुछ भी करने का। रात को भी बहुत लेट सोई थी, सुबह भी आज मैं बहुत लेट उठी, इतना लेट मैं कभी भी नहीं उठी और ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया। मेरी बॉडी अभी भी काम नहीं कर रही है, अभी मेरा हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं कैसे पूजा करूँ, कैसे क्या करूँ, तैयारी करूँ, समझ नहीं आ रहा। रात को कोई तैयारी करके नहीं सोई थी, चने अभी भिगोने रखे हैं और जो बरबूले बनाए हैं उसके लिए पानी अभी भिगोया है मैंने, सब्जी निकाल के रख दी है, और मेरे फेस पे आपको बिल्कुल भी स्माइल नहीं दिखेगी क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा, लेकिन पूजा तो कर रहा हूँ मैं, है ना, मन भी नहीं मान रहा अभी। तो पूजा हम लोग ना बिना कुछ खाए पिए करते हैं, तो अभी तो पानी भी नहीं पीना, इसलिए मैं जल्दी से पूजा करके और नींबू पानी बना के रख के जाऊँगी, तो मैं आके नींबू पानी पी लूँगी। तो मैं जल्दी से थोड़ा बहुत कुछ बना लेती हूँ, फिर थोड़ा सा तैयार भी हो जाऊँगी, देखती हूँ क्या पहनती हूँ, कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं निकाल रहा आपको, मैंने बस मैंने ऐसे थोड़ी सी लगा ली थी, फिर मैंने तुरंत धुल भी थी क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था। चलो फिर करते हैं जल्दी से तैयारी और नए घर में पहली बार बट सावित्री व्रत मैं करने वाली थी, तो मैंने बहुत कुछ सोचा था कि जल्दी से उठ जाऊंगी, जल्दी से सारे काम करके अच्छे से तैयार होके और फिर मतलब पूजा पाठ वगैरह मैं जल्दी से कराऊंगी, क्योंकि जो बट सावित्री व्रत होता है ना ये हमेशा गर्मियों में ही होता है, तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से हम मतलब पूजा पाठ कर लें अपनी और जल्दी से टाइम से हम लोग खा पी लें, क्योंकि जब तक पूजा नहीं करते हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, व्रत नहीं रखते हैं जब तक पूजा नहीं करते, तब तक नहीं खाते पीते हैं, निर्जल रहते हैं, उसके बाद फिर खा पी सकते हो पूजा करने के बाद। आपके यहाँ पर कैसे होता है मुझे बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर पहले मैंने पूड़ियों के लिए थोड़ा सा डो लगा दिया है, उसके बाद मैं फिर ये मीठा वाला लगा रही हूँ। मैं मेरे पास गुड़ नहीं था और गुड़ वैसे भी गर्म होता है, तो मैंने चीनी ही रख दी थी घुलने के लिए, चीनी का पानी बनाया और बस आटे में मोयन डाल के, गेहूं के आटे में मोयन डाल के, और ये मैंने बरबूले बना लिए, इसको बरबूले बोलते हैं हमारे यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट मैंने फिर इनको फ्राई किया ऑयल में, तो बिल्कुल मीडियम रखना है आपको फ्लेम को और इसको अच्छे से आपको फ्राई करना है। तो पहले तो मैं बहुत टाइप के बनाती थी, मतलब मीठे वाले, नमकीन वाले, लेकिन इस बार मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था, जितना हो पा रहा था उतना मैं सोच रही थी पूजा के लिए बना लूँ, बस हो गया मेरा, क्योंकि इस बार बिल्कुल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा सच बताऊँ व्रत छोड़ने का मन भी नहीं करता। जब जो कोई व्रत मैं रखती हूँ ना, भले ही मेरी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा थी, कोई हेल्प के लिए भी नहीं है, इन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, लेकिन फिर भी मेरा ना व्रत छोड़ने का मन नहीं करता है। मुझे लगता है कि नए साल भर की पूजा पाठ है, मैं करूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा के लिए छोटी छोटी जो पूड़ियाँ होती हैं वो बना ली और बरबूले बना लिए थे, और मैंने सोचा कि हाथों हाथ मैं खाना भी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मतलब वहाँ से आकर के लेट हो जाऊँगी, फिर इतनी गर्मी हो जाएगी दोपहर में, कहाँ मैं खाना बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं कद्दू की सब्ज़ी को छोक दे रही हूँ और एक साइड रख दूँगी मैं कढ़ी बनने के लिए,
क्योंकि मैं कढ़ी भी बनाती हूँ हर साल, तो मैं थोड़ी सी कढ़ी रखूँगी, ज़्यादा खाना नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गर्मी में खाना भी जल्दी ख़राब हो जाता है, तो बस थोड़ा सा ही मैंने खाना बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था। और बस मैंने यहाँ पे सब्जी बनने के लिए रख दी, एक साइड मेरी कढ़ी बन रही है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पूजा की थाली। तो मैंने सोचा साथ ही साथ में मैं पूजा की थाली भी लगाती जाती हूँ, क्योंकि फिर कुछ भी याद भूल जाता है तो वो याद आता है ना, तो मैं तुरंत रख लेती हूँ ऐसे। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ क्योंकि मुझे दूसरा कोई बताने वाला तो है नहीं कि ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, मुझे खुद से ही सारी चीज़ें याद करनी होती हैं, खुद से ही सारी चीज़ें लगानी होती हैं। तो जितना मुझे आता है उतना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बाकी का जितनी भी भूल चूक है वो भगवान जी माफ़ करें। और मुझे पूजा पाठ वगैरह ऐसा किसी ने, आपको पता है कि ससुराल से तो कोई सपोर्ट है ही नहीं, तो वो लोग तो कुछ मुझे बताते भी नहीं हैं, तो जो कुछ भी है मैं श्रद्धानुसार अपने मन से जितना मैंने देखा जितना मैंने सुना है। और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं यार, आपने मतलब क्या चढ़ाया क्या उनको खिलाया ये कुछ मायने नहीं रखता। अगर आप एक लोटा जल भी अच्छे से अपने मन से और खुश होकर के चढ़ा रहे हैं ना, तो वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, मेरा तो ये मानना है। तो वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भूल चूक ना करूँ, लेकिन फिर भी हो जाए तो भगवान जी माफ़ करे। तो मैं पूजा की थाली लगा के आ गई हूँ, खाना भी मेरा साथ ही साथ बन गया है। और यहाँ मैं इनको बोल दिया था कि बेड ओपन करके रख दो, मैं अभी आती हूँ, उसमें से मुझे साड़ी निकालनी है, क्योंकि साड़ियाँ तो मैं इसमें ही रखती हूँ, बाहर तो इतना स्पेस है ही नहीं, क्योंकि साड़ियाँ मैं फेस्टिवल वगैरह में पहनती हूँ या दो चार साड़ियाँ बाहर रहती हैं, जैसे रेगुलर बेसिस पर कभी पहनने का मन कर गया तो मैं दो चार लाइट वेट साड़ियाँ बाहर रखती हूँ, बाकी की हैवी साड़ियाँ मेरी बेड में ही रहती हैं। तो मैंने इनको बोला, क्योंकि ये बहुत हैवी है हमारा बेड का जो है ना वो बहुत हैवी है, इसको मैं नहीं उठा पाती हूँ, लगा तो लेती हूँ लेकिन मैं इसको उठा नहीं पाती हूँ, तो मैं इनसे बोल दी थी, इन्होंने इसको खोल दिया था। तो मैं यहाँ पे साड़ी निकाल रही हूँ और जो चुनरी मैं ओढ़ती हूँ, ओढ़नी जिसको बोलते हैं, वो भी निकाल लूँगी पूजा के लिए। तो एक साड़ी मेरे पास थी, मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या पहनूँ, लाइट वेट सी साड़ी पहनने का मन है मेरा। कद्दू की सब्जी बन गई और ये बन चुकी है कढ़ी, थोड़ी सी बनाई है, वहाँ पे ये राइस बन रहे हैं और इसमें मैंने आटा लगा के रख दिया है। ये क्या है, ये थोड़ा सा पानी बच गया था, इसमें सिकंजी बनाऊंगी मैं, नींबू पानी, और ये इसमें आटा रखा है थोड़ा सा, बस ये मेरी पूजा की थाली लग चुकी है। इसमें सुहाग का सामान है और एक मल एक्स्ट्रा, यहाँ पे फल है, ये बरबूले पूरी और ये बर का पेड़ बनाते हैं चढ़ाने के लिए, ये 108 की बाती, रोली चावल कपूर और कलावा हल्दी चावल माचिस, आज फूल नहीं है, फल और ये चले। मेरी हालत आप देख सकते हो, बिल्कुल भी तैयार होने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जा रही है, मैंने साड़ी निकाल ली अपने लिए। और आज पापड़ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास में फ्राई करने के लिए, तो पापड़ वगैरह फ्राई नहीं कर रही, बस पूड़ियाँ बना लूँगी गर्मा गर्म, जब खाएंगे ये तब। और थाली तैयार है, फूल नहीं है आज, कल ये गए थे बहुत लेट हो गए थे तो फूल नहीं मिल पाए थे, और अब तो गर्मी बहुत है बाहर और मार्केट भी दूर है, तो अब नहीं जा रही है, और ये मेरे साथ जाएंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी, पेड़ तो पास में ही है, बस राइस बन जाए फिर मैं तैयार होने जा रही हूँ। और आज बहुत लेट हो गई, मैं अभी तक तो पूजा भी कर ली थी, कुछ सोचा था लेकिन कुछ हो रहा है, हालत देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी, पढ़ाई भी वगैरह बैठ बैठ के काम कर रही हूँ मैं भी। बट सावित्री व्रत पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, भयंकर गर्मी है, घबराहट हो रही है, और कुछ खाया पिया नहीं है, अभी 10:30 बज चुके हैं, तो मैं 12 बजे तक ही जा पाऊँगी पूजा करने के लिए आज, तो आके बस नींबू पानी बना लूँगी मैं, पी लूँगी। A few moments later. सारा खाना बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए पहले रेस्ट कर लूँ, और फिर मैं उठी, फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और मैं यहाँ पे साड़ी पहन ले रही हूँ। तो बस मैंने हेयर ओपन नहीं रखे, मैंने बन बना लिया है और क्विक वाला मैंने हेयर स्टाइल बना लिया है, बस फेस पे ज़्यादा कुछ नहीं, सनस्क्रीन वगैरह यही सब कुछ लगाया है जो कि मैं आपको बताती रहती हूँ हर व्लॉग में, लाइट वेट सा मेकअप किया, लिपस्टिक बिंदी सिंदूर काजल, बस यही सब है, और थोड़ी सी मैंने ज्वेलरी भी पहन ली है और लाइट वेट सी साड़ी है।
तो ये सब पहन के मैं हो गई हूँ तैयार। और इसके बाद ये है ओढ़नी, इसको मैं ले लेती हूँ पूजा में। क्या लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है, अच्छा भी लगता है, और ये मेरे पास रहती है तो मैं इसको हर पूजा में मतलब ओढ़ लेती हूँ, अच्छा लगता है। तो इसको मैंने ऑनलाइन लिया था, काफ़ी रीज़नेबल है, आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार, बताना मैं कैसी लग रही हूँ। इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से, और आप लोग बताएगा फिर। तो ये वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने हल्दी लगाई अपने पैरों से, और महावर लगाने से पहले मैंने चढ़ाया, हल्दी भी मैंने चढ़ाई थी, यहाँ मैंने महावर भी चढ़ाया। बिना चढ़ाए हुए हम लोग नहीं लगाते हैं, जब कोरा महावर होता है ना, पहली बार घोल के लगा रहे हैं, तो उसको पहले हम चढ़ाते हैं फिर ही लगाते हैं पैरों में। तो बस यहाँ पे हल्दी हम लोग ज़रूर लगाते हैं पैरों में, शादी के बाद हल्दी लगाते हैं, और शादी से पहले जैसे कन्या होती हैं, लड़की होती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ महावर लगाती हैं, और शादी के बाद हल्दी और महावर दोनों लगाते हैं, बिना हल्दी के महावर नहीं लगाते हैं। ये देखो मेरे पैर सुंदर से लग रहे हैं ना, और यहाँ पे अब मैं पूजा के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो गाइस ये हवन वाली लकड़ी है, इसको छोले की लकड़ी बोलते हैं, थोड़ी सी मैंने रख ली है, मैं थोड़ा सा छोटा सा वहाँ पे हवन भी कर लूँगी। कपूर रख लिया है, घी है, और ये पैसे रख लेते हैं। तो दक्षिणा चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी भूल चूक हो तो वो उससे कभी पूरी हो जाती है। तो दक्षिणा रख ली है, चने रख लिए हैं, थोड़ी सी लकड़ी रख ली है मैंने एक्स्ट्रा सामान, और बस आज ना फूल नहीं है तो मेरी थाली सूनी सूनी लग रही है। कोई नहीं, देख लेंगे वहाँ पे, अगर थोड़े बहुत फूल मिल जाएंगे ऐसे कहीं पौधे वगैरह में लगे होंगे तो देख लेंगे, नहीं तो फिर आज ऐसे ही ठीक है। और चलो चलते हैं, अब बहुत देर हो गया, यहाँ पे लोटे में मैंने पानी ले लिया और महावर हल्दी सब लगा ली, और ये है मेरा वट सावित्री व्रत का लुक। और 12 बज गए, कुछ भी खाया पिया नहीं है, मैं आज आराम आराम से काम कर रही थी क्योंकि बॉडी साथ नहीं दे रही थी। तो फाइनली तैयार तो मैं हो गई, कैसी लग रही बताना जरूर। गाइस जो वट सावित्री व्रत है वो सभी सुहागी लेडीज करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ये व्रत किया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं वट की पूजा करने के लिए। कुछ लोग घर पर ही कर लेते हैं, लेकिन घर में मैंने बस एक बारी की थी, जब लॉकडाउन लगा हुआ था ना तभी, तब मजबूरी थी, लेकिन मैं मंदिर में जाके पूजा करना ही अच्छा लगता है। तो चलो चलते हैं फिर, है ना, आ जाओ चलो। तो ये रही मैं, कैसी लग रही हूँ मैं, मेरी साड़ी और मेरा लुक फाइनली तैयार हो गई। इनको पता है कि अब मैं, पता है बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी कि कल से लेके आज तक मेरे साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहना, पहले चलते पूजा करने के लिए, लेट हो रहे हैं, फिर आ जाओ जल्दी। ये जाएंगे मेरे साथ मेरी हेल्प के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत कैमरा भी तो ले पकड़ना पड़ेगा ना, कौन पकड़ेगा, आपको भी तो दिखाना है। चलो लाइटें बंद कर दो। देखोगे आप अभी, देखना मेरे ऊपर। क्या कर रही हो, फूल तोड़ने लग गई क्या? और क्या, देखो फूल मिल गए मेरे को। चलो अच्छा हुआ यार, फूल लेके नहीं आए। थोड़ा मिला, इधर से एंट्री है, ये गेट है। हाँ गाइस, पहली बार मैं ऐसी जगह आई हूँ जहाँ पे कोई भी नहीं है घर के पास में, नहीं तो हर जगह इतनी भीड़ होती है। तो मैं हमारे घर के पास में यहाँ पे देखो भोले बाबा का मंदिर बना है, और चलो पूजा करते। मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे वो मिल जाएगी ना, जो कॉप होती है उसको पानी के साथ लेना होता है, मिल जाएगी। चलो पूजा कर लेते हैं, छोटा सा पेड़ है यहीं पे करते हैं पूजा, आज कोई भी नहीं है। मैं इस बार जो हमारा घर है ना वो आउटर में है, सिटी से आउट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना, ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको नहीं दिखेगी। कमेंट आया था कि आपने अकेले ही पूजा की, तो भगवान ये नहीं कहते कि आप भीड़ भाड़ में पूजा करो, जैसी जिस स्थिति में आपको पूजा करने को मिल रहा है उस स्थिति में कर लो। मैंने बहुत भीड़ भाड़ में भी पूजा की है, और अब यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन हमें तो पूजा करनी है तो हम तो पूजा करेंगे ही। तो यहाँ पे कुछ लोग आए थे, पूजा करके चले गए होंगे। सबसे पहले मैं बैठ गई हूँ, उसके बाद मैंने बर का जो पत्ता होता है वो अपने बालों में लगाया, क्योंकि वो गहना स्वरूप हमको पहनना होता है, फिर उसकी फिर हम पूजा करते हैं। फिर मैंने जल चढ़ाया बर में, और यहाँ पे मैंने हल्दी के हाथ लिए हैं, तो 5 थापे मैंने लगाए यहाँ पे, और इसके बाद फिर मैंने हल्दी से ही चौक पूरा हुआ था। तो
तो हल्दी चावल रोली से सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे, फिर हम बर का पूजन करेंगे और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ सुहाग का सामान और जो कोरे हैं वो लगा देंगे बरबूले। अगर आप बरबूले नहीं बनाते तो पुए भी बनाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पुए भी नहीं बनाते तो इसमें बतासे का भी यूज़ कर सकते हो, मतलब मीठे का यूज़ करना होता है। ये सारा सुहाग का सामान है जिसमें मैंने एक रुमाल लिया है, रोली है और मतलब कुमकुम है, बिंदी है, काजल है और नेल पेंट है, मेहंदी है, महावर है, ये सारी चीज़ें मैंने सुहाग का सामान, चूड़ियाँ है और उसमें दक्षिणा भी रख दी थी। उसके बाद मैंने चढ़ाया सुहाग का सामान, फिर मैंने यहाँ पे लगाई 5 परिक्रमा। आप कच्चे सूत से भी लगा सकते हैं, कलावे से भी लगा सकते हैं, तो जो अवेलेबल है आपके पास में उससे लगा सकते हो। तो यहाँ पे 5 परिक्रमा लगाने में हालत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा पैर जल रहे थे ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म था, सोचो जब 12 बजे ये हाल है, मतलब अभी सुबह का तो अता पता ही नहीं है, सीधा दोपहर ही होती है। तो मैंने 5 परिक्रमा लगाई हैं, 5 या 7 लगा सकते हो, और ये तोड़ते नहीं हैं तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ उनको 5 परिक्रमा लगा के ऐसे। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा हवन कर लेती हूँ, मैं कपूर भी लेके आई हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा हवन भी कर लिया था, क्योंकि जो बट पूजा होती है वो अमावस्या पे होती है, तो मैंने हवन भी कर लिया था क्योंकि बिना हवन के भगवान जी को भोग नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने उनको भोग लगाया, फिर मैंने आरती करी, तो यहाँ पे मैं कपूर और दीपक से मैंने आरती कर ली थी। और आप लोग कैसे करते हैं पूजा पाठ मुझे ज़रूर बताना। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कथा सुनी थी, मैंने मोबाइल में से कथा सुन ली थी क्योंकि कोई कथा कहने वाले ही नहीं थे मेरे पास। तो अब मैं यहाँ पे बड़की कर रही हूँ हवा अपने पल्ले से, और यहाँ पे कुछ लोग पंखे का भी यूज़ करते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं करते। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गले लग के उनसे प्रणाम करूँगी और यहाँ पे हो जाती है मेरी पूजा कंप्लीट। और जितना भी सामान मैंने यहाँ पे चढ़ाया था वो सब मैं अंदर की साइड को रख दूँगी, जिससे कि जो कोई भी यहाँ से मतलब लेते हैं वो ले लेंगे। तो सारा सामान मैंने अंदर रख दिया था क्योंकि बाहर मैंने बाहर अंदर ऐसे हाथ नहीं पहुंच रहा था ना पूजा करने के लिए, तो मैंने ऐसे कर लिया था और फिर मैंने अंदर ही चढ़ा दिया था सारा सामान। तो इस तरह से हो गई मेरी बड़ सावित्री व्रत की पूजा। और आप लोग व्रत करते हैं क्या? मेरे हम लोग तो मतलब पूजा करके अब खाना खा लेंगे घर जाके। यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर भी है, तो फिर मैंने भोले जी को भी जल चढ़ा लिया था, यहाँ पे जल भी मिल गया था मुझे, तो मैंने जल चढ़ाया। गौरा मैया को भी मैंने सिंदूर वगैरह लगाया और टीका लगाया। तो बस इस तरह से मैंने यहाँ भी पूजा कर ली थी, मंदिर बनाया हुआ था और हमारे घर के बहुत पास में मंदिर है ये, और बहुत अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे। फिर मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद मैं करूँगी इनको तिलक। तो ये जो बट सावित्री व्रत जो होता है ये करवा चौथ की तरह ही होता है, ये भी पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे बस मैं उनको तिलक करूँगी, उनका मीठा मुंह कराऊँगी, पैर छूँगी और आशीर्वाद लूँगी, और वही अपने पल्ले से मैं इनकी हवा भी करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग मजाक भी कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि मतलब फैंसी भी बहुत तेज है तुम्हारे पल्ले की हवा, तो ऐसे मजाक कर रहे थे। तो बस इस तरह से मेरा जो बट सावित्री व्रत है वो कंप्लीट हो जाता है। और पूजा करने के बाद इतना अच्छा लग रहा था मुझे, एनर्जी आ गई थी, पता नहीं ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ भी खाया पिया भी नहीं था लेकिन फिर भी मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं पूजा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, कहीं मतलब और ज़्यादा तबीयत ना बिगड़ जाए, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन सब कुछ अच्छा होता है। बस हमें ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। पूरा मेकअप ही धुल गया। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, इसीलिए तो जलते हैं लोग, अपना जन्म जन्म का साथ है ना, इसीलिए कई लोगों को तो टीका अच्छा लगाया है, देखो है ना। चलो अब मेरे लिए नींबू पानी कौन बनाएगा? कल आपने बनाया था बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा वाला नींबू पानी बनाया था, प्लीज मेरे आज नींबू पानी आज पिला दो बस, मेरे को आज बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मैं सब लोग जानते हैं। और आप अच्छा आप लोग आप बताना कल मेरे को क्या हुआ था, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगी, मैंने क्या क्या गड़बड़ की थी ये भी बताना। मेरे को नींबू पानी पिला दो बस। तो ये ना किचन में बहुत ही कम जाते हैं, मतलब ऐसे कुछ काम के लिए, वैसे तो जाते हैं लेकिन बहुत ही कम वो मतलब इस तरह से कुछ बनाना करना करते हैं, लेकिन नींबू पानी बहुत टेस्टी है। ये जो मैं लेके आई हूँ ना, ये
तो गाइस ये जो मैं लेके आई हूँ ना, ये है कॉप बरकी। तो इसी के साथ पहले पानी पी रही हूँ मैं, फिर मुझे याद भूल जाएगी, फिर मैं पीऊँगी नींबू पानी, क्योंकि ये बना रहे हैं। और अभी टाइम हो गया 12:45, 12:45 बज गया। मैं 12 बजे चली गई थी पूजा करने के लिए, मेरे पैर जल गए, मेरे पैरों में पलक आ गया यार, इतनी गर्म वो थी, इतने तेज चल रहे थे, 5 परिक्रमा में ही ना मेरे पैरों को पता चल गया इतनी तेज गर्मी। मैं तो आकर के कूलर में बैठ गई थी, ये बोल रहे थे कि जब मैं बना रहा हूँ तो क्यों बीच बीच में आके मुझे डिस्टर्ब कर रही है। फिर मैं आके कूलर के सामने बैठ गई थी और ये लाके मुझे नींबू पानी दे दिए, तो मैंने इनको थैंक यू बोला और इतना टेस्टी नींबू पानी बनाया था। पीने के बाद में यार पूरी थकावट और जितनी भी मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी वो सब गायब हो गए। और नींबू पानी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने ना मेरे पेट में दर्द मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी की वजह से हो रहा था, तो मैंने 3 से 4 बार नींबू पानी पिया एक दिन में, तो बहुत आराम मिला मुझे नींबू पानी से। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि अब मुझे इनको खाना खिलाना है और टाइम भी हो गया है लंच का, और इन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। तो बस यहाँ पे अभी मैं सैलेड कट कर रही हूँ और फटाफट से पूरियाँ बनाऊँगी, तो मैं इनको जल्दी से लंच करवाती हूँ। पहले मैंने इनको खाना खिला दिया, उसके बाद फिर मैंने कुछ रील शूट की है क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा। और अब मैं साड़ी चेंज कर रही हूँ, साड़ी कैसी लगी आपको? नेट की है, बहुत लाइट वेट है और इसको मैंने बस एक बार पहना था, मतलब ये वॉश नहीं हुई है तो मैंने इसी को पहन लिया, क्योंकि जब तक कपड़े वॉश नहीं होते तब तक न्यू ही रहते हैं। तो बस अब मैं कपड़े अपने चेंज कर रही हूँ और अभी मैंने खाना नहीं खाया, 2:30 बज गया है और मैं अभी भी खाना नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी 4 बजे तक। मुझे भूख नहीं लग रही क्योंकि मेरा पेट में दिक्कत है ना, तो मैं खाना अवॉइड ही कर रही हूँ अभी। ये बोल रहा है खाना खा लो, खाना जैसे मैंने खाया ना वैसे मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, सिर्फ पानी पी रही हूँ मैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी इंडियन टूर शौरांजलि है। तो गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए, ये मैंने बस अपने लिए 2 पूड़ी बनाई है और कपड़े चेंज करके थोड़ा सा मैंने रेस्ट भी कर लिया। मैं सोई नहीं थी, ऐसे ही लेट गई थी, एक रील के साथ शेयर कर रही इंस्टाग्राम पे, और ये थोड़ा सा कुकुम्बर। तो मैं अपना लंच कर रही हूँ, 3 बज रहे हैं, कुछ नहीं खाया सुबह से मैंने, और चलो खाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा ही है, कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा, लेकिन खा लेती हूँ फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, है ना। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। दोस्तों लंच करने के बाद मैं सो गई थी 1-2 घंटे के लिए, फिर मैं इवनिंग में अभी उठी हूँ, तो अब मुझे घर के काम करने हैं। कपड़े मैंने सुबह से फैलाए नहीं, वॉशरूम में ही रह गए थे क्योंकि सुबह से काम में बिजी हो गई थी, फिर घर भी समेटना था, घर भी मैसी हो गया था। और गर्मियों में होता है ना, आप एक ही रूम में रहते हो, वहाँ पर पानी की वाटर खाली हैं और सामान इधर उधर है। तो आज तो मैं तैयार भी हुई थी, मैंने वीडियोज़ भी बनाए थे, तो मेरी रिंग लाइट वगैरह सब कुछ इधर उधर मतलब था, तो पूरा घर मुझे अरेंज करना था। उसके बाद मैं फिर आई मैं किचन में, और देखो सुबह जब मैंने सैलेड वगैरह कट किया था ना, सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर 1-2 फोन आ गए तो फोन में बिजी हो गई। अभी मैं आई हूँ किचन में, तो अब जल्दी से घर के सारे काम करूँगी, सारे बर्तन साफ करूँगी, लंच के बर्तन ऐसे ही रखे हुए हैं अभी, और फिर मैं करूँगी दिया बत्ती, तो हाथ मुँह धुलूँगी और फिर मैं करूँगी दिया बत्ती। तो बस यहाँ पे मैं भगवान जी की आरती कर लेती हूँ और दोस्तों इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को बट सावित्री व्रत वाला व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए थोड़ी सी मेरी मेहनत लगे, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा और आपने वट सावित्री व्रत वाले दिन क्या क्या किया, कहाँ पे पूजा की, मंदिर में पूजा की, घर पे पूजा की, सब कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल। भगवान सबका सुहाग अमर रखे और सबको स्वस्थ रखे, सब अच्छे अच्छे अपने फैमिली के साथ हैप्पी हैप्पी रहें, बस यही मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ और मेरे लिए भी करती हूँ।